एनिमल फिल्म में ये बूढ़ा रणबीर एक बंदर की कहानी सुनाता है जिसमें वो जो कुछ भी बोलता है बंदर उसकी नकल करने लग जाता है। अब ये कहानी आपने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी और अगर नहीं सुनी है तो हम सुना देते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये कहानी एनिमल फिल्म और इसके पार्ट 2 यानी एनिमल पार्क के बारे में काफी कुछ बताती है जो कि लोगों को शायद फिल्म देखते वक्त समझ नहीं आया होगा। तो इस बंदर की कहानी में जो किंग है वो है अपने अनिल कपूर, क्वीन है इनकी कंपनी स्वास्तिक और मंत्री है खुद रणबीर, और ये बंदर जिसकी कहानी सुनाई जा रही है वो है दरअसल बॉबी देओल। अब असल कहानी में मंत्री जो भी करता है बंदर उसकी नकल करने लग जाता है, और जब नकली तलवार से मंत्री अपने आप को मारने का नाटक करता है तो बंदर उसी तलवार से अपनी जान ले लेता है। लेकिन फिल्म में इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट डाल के दिखाया गया है, जहां ना तो ये बंदर पूरी तरह मंत्री की नकल करता है और ना ही बॉबी देओल, मतलब कि फिल्म में ये बंदर उस असली तलवार से अपनी जान नहीं लेता। और ये कहानी हमें बताती है कि बंदर नकल जरूर कर रहा है बट बेवकूफ नहीं है, यानी कि फिल्म में जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है कुछ ऐसा ही है, जो कि हमें पता लगता है इस एंडिंग के जिप खोलने वाले सीन।